हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन दी क्लास ऑफ मैथ्स क्लास सिक्स एंड वी आर इन चैप्टर नंबर फाइव अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप्स माय डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग यहां पर क्वारिलेटरल्स के बारे में स्टडी करेंगे आप सभी लोगों ने पॉलीगॉन्स uh, के बारे में पता है आप लोगों को पॉलीगॉन्स इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज्ड फिगर जो होता है वो पॉलीगॉन कहलाता है और पॉलीगॉन ही एक पॉलीगॉन uh, का एक टाइप है क्वाडिलेटरल्स जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ट्राइंगल्स एंड उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था आज हम लोग यहाँ पर क्वारिलेटरल्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे सुमाई डिस्ट्रेंड्स अ क्वारिलेटरल इज़ अ पॉलीगॉन विथ फोर साइड्स अ पॉलीगॉन विथ अ फोर साइड दैट मीन्स अ क्लोज फिगर मेड ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए यहाँ पर ये फोर साइडेड पॉलीगॉन है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वारिलेटरल्स बोलते हैं माइडेन्ट्स वट आर दी पार्ट्स ऑफ क्वाडिलेटरल क्वारिलेट्रल में क्या पार्ट्स होते हैं दे आर टोटल फोर वर्टाइजिस फोर वर्टिक्स होते हैं यहाँ पर ए बी सी एंड डी आप लोगों ने वर्टिक्स पता है कि क्या होते हैं There are total four sides AB, BC, CD, and DA. These are the four sides of a quadrilateral, and there are total how many angles? Four angles angle A, angle B, angle C, and angle D. There are four vertexes, four vertex, four sides, and four angles in a quadrilateral. So, this is about the quadrilateral. Now टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वाडिलेटरल्स आज हम लोग यहाँ पर क्वाडिलेटरल्स के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे सो माय डे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वारिलेटरल आप लोग इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं ये आप लोग अपने रिवीजन के लिए आप लोग अपनी नोटबुक में इसको बना करके रख लीजिएगा ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो यहाँ पर हम आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको आगे की स्टडीज के लिए हायर क्लासेस तक के लिए यह आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वारिलेटरल इज वॉट क्वारिलेटरल इज अ पॉलीगॉन और हाउ मैनी साइडेड फोर साइडेड पॉलीगॉन अ क्वारिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन इट इज अ सिंपल क्लोज कर हैविंग फोर वर्टेक्स फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स नाउ द टाइप्स ऑफ क्वारिलेटरल तो यहां पर आज हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वारिलेटरल के बारे में बात करेंगे सो तो फर्स्ट टाइप uh, जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है रेक्टेंगल रेक्टेंगल्स इज़ अ कोआर्डिलेटर आपने सभी लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा रेक्टेंगल्स में क्या होता है माई डिस्ट्रेंट सपोज ए बी सी डी एक ये रेक्टेंगल है और आप देख सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल लेंथ की हैं इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू सी बी अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं माई डियर स्टूडेंट्स नाइन्टी डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रैक्ट एंगल एंड दीज आर दी टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैक्ट एंगल इनको आप लोग नोट कर सकते हैं देन स्क्वायर स्क्वायर इज वॉट स्क्वायर में स्क्वायर इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्वारिलेटरल हैविंग फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ फोर साइडेड पॉलीगॉन विथ इक्वल लेंथ चारों साइड्स इसकी क्या होती हैं इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स क्या होते हैं इसके राइट right एंगल होते हैं सारे एंगल्स क्या होते हैं माई डे स्टूडेंट्स राइट एंगल होते हैं और जो यहाँ पर अगर आप इनके अपोजिट वर्टिक्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो आप लोग यहाँ पर टू डायगोनल्स जो मिलेंगी उनकी लेंथ भी क्या होगी इक्वल होगी यहाँ पर भी अगर आप अपोजिट बर्टिक्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर जो दो डायगोनल्स मिलेंगी रेक्ट में और स्क्वायर्स में डायगोनल्स की दोनों की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी सो दीज आर दी टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नाउ पैरलोग्राम नाउ पैरलोग्राम व्हाट इज अ पैरलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल आमने सामने की जो लाइन uh, सेगमेंट्स होती, है, होती हैं वो इक्वल होती हैं पैरलोग्राम में और जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के बीच में वो 90 डिग्री के नहीं होते टू एंगल्स 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं और टू एंगल्स 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल रेक्ट की बात करें तो दोनों की प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर यहाँ पर एंगल्स 90 डिग्री हैं और यहाँ पर एंगल्स 90 डिग्री नहीं है अगर पैरलोग्राम के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएं, तो वो स्पेशल काइंड का क्या होगा रेक्टेंगल कहलाएगा नाउ फोर्थ टाइप इज वॉट रोम्बस स्क्वायर और रोम्बस में भी वही डिफरेंस है जो रेक्टेंगल और पैरलोग्राम में है रोम्बस हैव ऑल दी साइड्स इक्वल इन लेंथ रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं बट एंगल्स आर नॉट राइट एंगल बट जो एंगल्स हैं वो राइट right एंगल नहीं होते हैं टू एंगल्स आर लेस देन नाइन्टी एंड टू एंगल्स आर ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री टू एंगल ऑप्टिवस एंगल होते हैं और टू एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं टू ऑप्टिज़ एंड टू एक्यूट सो ये प्रॉपर्टीज इस तरीके से आप लोग लिखेंगे ये डिफरेंसेस भी आप लोगों को पता चल गए कि क्या है इनमें डिफरेंसेस एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वारिलेटर इज व्हाट ट्रपेसियम यहाँ पर आप देखेंगे कि अपोजिट पेयर सिंगल पेयर की बात करें तो ये पेयर क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा ये एरो का साइन आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं पैरेलल शो करने के लिए टू अपोजिट साइड्सोरल आप देख सकते हैं दूसरी साइड्स का पेयर पैरल नहीं है सो तो इस तरीका का अगर आपको कोई फिगर दिखता है तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रपेजियम कहलाएगा सो तो दीज आर दी फाइव टाइप्स ऑफ क्वाडिलेटरल सो माई डे स्ट्रेंड्स so, इस तरीके से आज आप लोगों ने क्वारिलेटरल के फाइव टाइप्स पैरलोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस एंड ट्रेपेजियम के बारे में स्टडी किया और उनकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अभी देखी हैं सो so उसी के बेस पर आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं ये एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए कम्प्लीटिड आपकी बुक में है ये पेज नंबर वन ज़ीरो सिक्स पर ये दी हुई है ये टेबल आप लोग फिल कर सकते हैं रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स पैरल होती हैं येस पैरल होती हैं इक्वल होती हैं येस अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ऑल साइड्स इक्वल होती हैं रैक्टेंगल में नो no, पहले से लिखा हुआ है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यस होते हैं माई स्टूडेंट्स डायगोनल्स इक्वल होती हैं यस रैक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं डायगोनल्स नो माई डिस्ट्रेंस रेक्टेंगल की डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होती सो so, इस तरीके से ये आप स्क्वायर्स के लिए रोम्बस के लिए और ट्रेपेजियम के लिए ये एक्टिविटी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं ये समरी है जो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है पॉइंट्स स्क्वायर रेक्टेंगल रोमबस ट्रेपेजियम एंड पैरलोग्राम्स के बारे में आप इसको एक बार रिकॉल और रिवाइज कर सकते हैं नाउ एक्सरसाइज 5.7 5.7 एक्सरसाइज की हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे से ट्रू और फॉल्स अगर आप लोगों ने ये सारे टाइप्स अच्छे से ध्यान से पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज अगर आपको लर्न है तो ईजिली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे फर्स्ट ईच एंगल ऑफ रैक्टेंगल इज अ राइट एंगल यस ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्ट एंगल आर इक्वल इन लेंथ ट्रू अपोजिट साइड्स ऑफ रैक्टेंगल इक्वल होती है द डायगोनल ऑफ आ स्क्वायर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर ट्रू स्क्वायर की जो ड्राई डायगोनल होती हैं वो क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी में ऊपर यस yes ही लिखा है स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं परपेंडिकुलर यस तो दिस स्टेटमेंट इज वॉट ट्रू डी ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ यस ट्रू रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं ऑल साइड्स ऑफ पैरलोग्राम्स आर इक्वल इन लेंथ नो पैरलोग्राम्स की ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं पैलेलोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं बट एडजेंट स्पेयर इक्वल नहीं होते अगर एडजेंट स्पेयर पेयर भी इक्वल हो गए तो वो क्या कहलाएगा आपका रोमबस बन जाएगा सो तो, अगर स्पेशलिटी है उनमें तो वो एक दूसरे के ने अदर नेम से भी वो जाने जा सकते हैं एफ द अपोजिट साइड्स ऑफ आर ट्रेपेजियम आर पैरल द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरल पैरल होती हैं नो माइडिशन ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरल सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है फॉल्स है सो इन दिस वे यू हैव टू मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट नाउ क्वेश्चन नंबर टू गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ये आप लोगों को यहाँ पर रीजन देने हैं क्वेश्चन के सो so, हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को रीजन कैसे लिखना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे गिव रीजन फॉर दी फॉलोविंग आक्वायर कैन बी था ऑफ एज आ स्पेशल रेक्टेंगल क्या स्क्वायर स्पेशल रेक्टेंगल है यस माई डेस्ट फ्रेंड्स रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के पास हैं सिवाए एक प्रॉपर्टी की स्क्वायर की सारी प्रॉपर uh, सारी जो लेंथस हैं साइड्स की जो लेंथस हैं वो इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अगर सारी लेंथ को अगर इक्वल कर दें तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा एज अ स्क्वायर ट्रीट किया जाएगा अ स्क्वायर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ रैक्टेंगल सो इट इज अ स्पेशल रेक्टेंगल सो स्क्वायर इज वॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ रैक्टेंगल ये आप नोट कर लीजिए इस तरीके से आप लोग आंसर लिखेंगे रीजन लिखेंगे सेकेंड अ रेक्टेंगल कैन बी था एज अ स्पेशल पैरलोग्राम क्या रेक्टेंगल को आप स्पेशल पैरलोग्राम कह सकते हैं येस माई डेयर स्टूडेंट्स अ रेक्टेंगल है yes, सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ पैरलोग्राम जो भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के पास है वही सारी प्रॉपर्टीज पैरलोग्राम के पास है सो यू कैन से दैट इट इज अ पैरलोग्राम अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरलोग्राम थर्ड अ स्क्वायर कैन बी थाट ऑफ एज अस्पेशल रोम्बस क्या स्क्वायर स्पेशल रोम्बस है येस अ स्क्वायर हैज सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ रोम्बस सो इट इज़ अ स्पेशल रोमबस स्क्वायर के पास रोमबस की सारी प्रॉपर्टी है इसलिए वो स्पेशल रोमबस कहला सकता है डी स्क्वायर्स रेक्टेंगल पैरलोग्राम आर ऑल क्वारेटरल स्क्वायर रेक्टेंगल पैरलोग्राम सारे क्वाडिलेट्रल्स हैं यस माई डेयर स्टूडेंट्स सारे क्वाडिलेटरल हैं बिकॉज सारे सिंपल क्लोज कर हैं और इनमें चार चार साइड्स हैं ऑल हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स एंड फोर बर्टिक्स

तो इसके अंदर पैरलोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं इसलिए स्क्वायर को क्या कह सकते हैं हम स्पेशल पैरलोग्राम कह सकते हैं सो माइडेंट इन दिस वे यू हैव टू गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं फाइव स्टेटमेंट्स उनके अगेंस्ट आपको यहाँ पर रीजन्स लिखने हैं एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फाइव पॉइंट सेवन अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर कॉर्डिलेटर येस माई डेस्टूडेंट्स रेगुलर कोआर्डिलेटल इज वॉट स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं एंड सारे एंगल्स इक्वल लेंथ के होते हैं इक्वल इन मेजर यहाँ पर दिया हुआ सो so, ये कौन सा फिगर है स्क्वायर सो so, इसका आंसर आप लोग वन वर्ड में स्क्वायर लिख सकते हैं सो माई डेस्टूडेंट्स इन दिस वे टूडे वी हैव कम्पलीटेड

इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर फाइव अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप्स पॉलीगॉन्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और उनके अदर टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे सो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास थैंक यू हैवे नाइस डे